फोन किसको नहीं करने देता, मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो है। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा, एक क्लियर वर्ड में है ना, नहीं तो मेरे से ले लेना जजमेंट की कॉपी। सुनिए सुनिए सुनिए, तो पहले तो इनकी बातचीत कर देता हूं। अब मेरे पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, मैं छिपाता कहां हूं। उसमें ये बोला है कि अच्छा ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब यह दिया था कि गवर्नर आप अपना धंधा करो, मैं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, हैं आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों? उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया। दूसरा ये भी बोला है कि भाई गवर्नर इनके बराबरी क्यों करना चाहिए, तो इसलिए रामलीला में जो भी बोले उसका जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बराबरी मत करो। कौन किसको नहीं करने देता, मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो है। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा, एक क्लियर वर्ड में है ना, नहीं तो मेरे से ले लेना जजमेंट की कॉपी। सुनिए सुनिए सुनिए, तो पहले तो इनकी बातचीत कर देता हूं। अब मेरे पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, मैं छिपाता कहां हूं। उसमें ये बोला है कि अच्छा ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब यह दिया था कि गवर्नर आप अपना धंधा करो, मैं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, हैं आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों? उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया। दूसरा ये भी बोला है कि भाई गवर्नर इनके बराबरी क्यों करना चाहिए, तो इसलिए रामलीला में जो भी बोले उसका जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बराबरी मत करो। देखो सरकार जड़ी आ सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं, सरकार नूं, आम आदमी पार्टी की सरकार नूं, पंजाब दे 3 करोड़ लोगों ने पूर्ण बहुमत दे नाल, भारी बहुमत दे नाल, वन साइड बहुमत दे नाल 92 विधायक जिता के जिहड़े सरकार चुनी आ, और सरकार जिहड़ी आ वो लोगों नूं जवाब दे रही है। जिहड़े वादे जिहड़ियां गरंटियां दे के असी सत्ता विच आए सीगे कि 300 यूनिट बिजली माफ़ करांगे, असी आपदा वादा पूरा कीता, असी उह लोगों नूं जवाब दे रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस गल हो, जिन्नियां भी गरंटियां सीगियां उन्हां सारियां गरंटियां दे काम हो रहे, सारे असी वादे पूरे कर रहे हैं, एक एक करके पूरा हो रहा। हाँ यह हो सकता कि एक अद्धा रह गया हो भी असी पूरा करांगे। सो मेरा कहण दा बाबा, जिस बहुमत दे नाल लोगों ने सरकार चुनी सी, असी उस बहुमत दे नाल लोगों ने जो कह के आए से उस उत्ते काम कर रहे हैं। रही गल मानजो गवर्नर साहब की, मैं मानजो गवर्नर साहब को बेनती करना चाहागा कि अपनी अहुदे की गरिमा बना के रखन, संविधानक कदरां कीमतां की पालन करन, जो संविधान के अंदर शक्तियां डिफाइन कीतियां गईयां नेगियां, जो संविधान के अंदर पावर की डिवीजन की गई आ, जो संविधान के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर हर एक अहुदे की गरिमा का ख्याल रखा गया कि राज्यपाल साहब दियां की शक्तियां होणगियां, मानयोग मुख्यमंत्री साहब दियां की शक्तियां होणगियां, कौंसल ऑफ मिनिस्टर दियां की शक्तियां होणगियां, ये सारिया शक्तियां जड़ियां नेगियां वो संविधान के अंदर बड़े अच्छे तरीके दे नाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी डिफाइन कीतियां नेगियां। सरकार बिल्कुल संविधान के मुताबक
संविधान की आत्मा के मुताबिक काम कर रही है। कोई भी रूल पहली बार पंजाब के अंदर तोड़िया नहीं जा रहा। और दूजे पास मैं समझना कुछ जिहड़ियां ताकतां की सरकार पंजाब च नहीं हैगी, जिहड़ियां ताकतां की सरकार सेंटर दे विच आ, जिहड़ी बीजेपी की सरकार सेंटर दे विच आ, मोदी साहब जिन्हां राज्यां दे अंदर अपोजिशन पार्टियां दी सरकारां ने गियां, विरोधी धिर दीआं सरकारां ने गियां, उन्हां सरकारां नूं कदे राजपालां दे दौरान मानयोग गवर्नर साहब दे राहीं, कदे मानयोग एल जी दे राहीं तंग परेशान करन दा यतन करदे ने। पर लेकिन देश दे लोक डेमोक्रेसी दे अंदर देश दे लोक वड्डे हुंदे नेगे, देश दे लोक सरकारां चुणदे नेगे, चाहे स्टेट दीआं होण चाहे सेंटर दीआं होण।